जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, जैसा कि आपने ये नोटिफिकेशन देखा होगा कि आर्मी रैली भर्ती जो 3 साल के लिए थी, अच्छे से देख लिया होगा। अब मैं इसको डिफिनेशन बढ़िया से आपको समझाता हूँ। ये फालतू अफवाह क्या फैला रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अब आर्मी रैली भर्ती सिर्फ 3 साल की होगी, सिर्फ बच्चे 3 साल के लिए ज्वाइनिंग होगे, तो ये बिल्कुल गलत है। पहले आप एक बार गूगल पर सर्च कर लिया करो, यूट्यूब वालों को चक्कर में मत पड़ा करो कि आप कुछ भी मान लेते हो। पहले गूगल पे सर्च करो, पूरी जानकारी लो, तब आपको समझ में आएगा। अब मैं उसको बताता हूँ आपकी रियलिटी क्या है। दोस्तों, 3 साल के लिए क्या उनका मुहिम है, आर्मी रैली भर्ती नहीं दे रहे हैं वो अलग मैटर है, भर्तियों दे ही नहीं रहे हैं, लेकिन वो उनका मुहिम क्या है 3 साल वाला। 3 साल वाला ये है कि अब हर नागरिक, जो बच्चे इच्छुक रहते हैं तो ठीक है, जो नहीं रहते वो भी थोड़ा बहुत मेहनत करके उनको भी 3 साल के लिए आर्मी में ज्वाइनिंग दी जाएगी, जिससे अगर देश में कभी भी युद्ध की कंडीशन बने तो वो लड़के तैयारी अपने तैयार रह सके बैकग्राउंड के लिए। 30 साल की ड्यूटी क्या है, ये टूर ऑफ ड्यूटी। टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या है कि अब 3 साल के लिए भर्ती युवा 3 साल के लिए ज्वाइनिंग दे सकते हैं अपनी, जैसे सिलेक्शन लिया, जैसे पहले क्या कंपलसरी था, आप 17 साल या 24 साल जो अपनी नौकरी में सेवानिवृत्त रह सकते हैं। लेकिन अब क्या है, अगर आप 3 साल के लिए इच्छुक हैं, ट्रेनिंग वही 6 महीने क्योंकि फिर आपका 2.5 साल का आपका ज्वाइनिंग होगा, 2.5 साल बाद अगर आप रिटायरमेंट लेना चाहते हो तो ठीक है, आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहते तो उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या है, बहुत से लोग रहते हैं कि जो ज़बरदस्ती करते हैं कि उनका मन नहीं रहता, इसलिए तो इसका मतलब ये टूर ऑफ ड्यूटी का, आप 3 साल के लिए आप ज्वाइनिंग करेंगे, 3 साल के बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हैं आराम से, इसका ये मुहिम है। लेकिन इसको क्या दिखाया जा रहा है कि अब क्या 3 साल के लिए आर्मी रैली भर्ती होगी, बस 3 साल के लिए ज्वाइनिंग होगी, तो ये अफवाह है, इसमें आप मत पड़िए बिल्कुल। सरकार इतनी बेवकूफ नहीं है ना जितना चूतिया है कि 3 साल के लिए आर्मी में ज्वाइनिंग देगी फिर रिटायरमेंट दे देगी। और अगर लेगी इसलिए कि इतना खर्चा आता है सरकार का, इसलिए ये टूर ऑफ ड्यूटी का प्लान ले आई है। लेकिन सरकार की बहुत बड़ी खामी आ जाए कि ये जो आर्मी रैली भर्तियां दे ही नहीं रही है, बच्चों को भविष्य के साथ खेल रही है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अब टूर ऑफ ड्यूटी के नाम पे ये बच्चों को भटका रही है, जो इससे बच्चे तैयारी करना बंद कर दें फिर अचानक से भर्ती देगी। तो टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब यही है कि 3 साल के लिए बच्चे आर्मी में ज्वाइनिंग करेंगे, अगर उसके लिए आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपका रिजल्ट अच्छा है तो आप प्रमोशन हो जाएगा, नहीं तो आप सिपाही रहेंगे। अगर कंटिन्यू करना चाहते हो ठीक है, आप कंटिन्यू कर लीजिए, नहीं करना चाहते तो आके प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि आर्मी वालों को पहली इंपॉर्टेंस दी जाती है किसी जॉब के लिए, अगर जिस लेवल का वो है तो पहली इंपॉर्टेंस दी जाती है जो आर्मी का ट्रेनिंग किया होता है बंदा, तो इसलिए आप प्राइवेट सेक्टर में आके ज्वाइनिंग कर सकते हैं, इसका ये मतलब। लेकिन आप फालतू के बहम में मत पड़िए, जो फालतू की वीडियो दिखाकर आपको इधर उधर कर रहे हैं तो इसके चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि अब ये फेम कमाने के चक्कर में है, पैसा कमाने के चक्कर में ये वीडियो बनाते हैं, जिससे आप देखेंगे वॉच टाइम इनका बढ़ेगा, इनसे अर्निंग होती है, ये एक प्लान है दोस्तों, आप समझिए इसको, बाकी आप समझदार हैं। और आर्मी रैली भर्ती आ जाए, मैं भी प्रार्थना करता हूँ, जल्द से जल्द सरकार से मांग करता हूँ, मेरी भी एज निकल गई है जिससे आ जाए तो मैं भी तैयारी शुरू कर दूँ और आर्मी का सपना मेरा भी पूरा हो जाए। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।